हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा को। हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके कुछ जनरल करेक्टर को देखेंगे और कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा हम डिफरेंस भी देखेंगे। और इसके हम कुछ बाद में नेक्स्ट वीडियो हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा को। फाइलम कॉर्डेटा जो सबसे पहली 1980 में कॉर्डेटम को वॉलफोर्ड ने दिया था। कॉर्डेटम ही कॉर्डेटा जो वर्ड है उसका मीन्स होता है कॉर्ड बियरिंग। देखिए, कॉर्डेटा मीन्स है स्ट्रिंग और कॉर्ड, एंड एटा मीन्स बियरिंग, मीन्स जो कॉर्ड को बियर करे उसे हम कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा इन्वर्टिब्रेट्स, दे हैव नो नोटोकॉर्ड और बैकबोन इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। मीन्स जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा इन्वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड बैकबोन का अभाव होता है, मींस प्रेजेंट नहीं होती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उन्हें हम नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। अब जो कॉर्डेटा है उसकी कुछ जनरल फीचर होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कॉर्डेटा का एनिमल है। तो वो जनरल फीचर क्या होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे ऊपर आपको येल्लो में थोड़ा देखेंगे तो उसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आपको दिख रही है, आगे साइड ब्रेन, फिर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड लिखा हुआ है। फर्स्ट करेक्ट है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड सेकंड नोटोकॉर्ड, उसके नीचे नोटोकॉर्ड और ब्राउन कलर से दिया गया है फेरेंजियल गिल सिट्स। उसके बाद एक एरो लगा हुआ है, एरो से आपको स्ट्रक्चर लगा हुआ दिख रहे हैं, वो पोस्ट एनल टेल को शो कर रहा है। तो ये चार करेक्टर हैं वो आपको कॉर्डेट्स को रिजम्बल करते हैं। फर्स्ट करेक्टर क्या है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, सेकंड नोटोकॉर्ड, थर्ड फेरेंजियल गिल सिट्स और फोर्थ पोस्ट एनल टेल। अब इनको हम अगर सीक्वेंस वाइज लिखना चाहेंगे तो कैसे हैं, ए होलो डॉर्सल और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम नोटोकॉर्ड कहेंगे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल सिट्स की एक सीरीज और पोस्ट एनल टेल। अब हम देखेंगे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस। जैसे कॉर्डेटा वर्ड, कॉर्डेटा जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉर्ड बियरिंग, ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसमें नोटो कॉर्ड ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो पोस्ट एनाल, जो हमने कॉर्डेटा का फीचर्स देखे थे उसमें पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट थी, ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा उसमें एबसेंट होगी। कॉर्डेटा में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी और नॉन कॉर्डेटा में ए सीलोमेट, सीडो सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट होंगी, ठीक है। ये सारी सीलोम होती हैं जो नॉन कॉर्डेटा में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फेरेंजियल गिल सिट प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, मींस जो कॉर्डेटा है उसकी कुछ स्टेज तक हमें गिल सिट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद रिप्लेस भी हो सकती हैं और नहीं भी होते हैं। जैसे कि आप मेढक में देखिए, फ्रॉग में, उसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें आपको गिल्स दिखने को मिलते हैं, और जो एडल्ट होती है उसमें आपको गिल्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑफ गिल सिल्स एब्सेंट, नॉन कॉर्डेटा में गिल सिल्स एब्सेंट होते हैं, और जो ब्लड वेसिकल सिस्टम होता है वो कॉर्डेटा का वो क्लोज्ड होता है और नॉन कॉर्डेटा का ओपन होता है। कॉर्डेटा में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू होता है, ठीक है। कॉर्डेटा में रेस्पिरेशन लंग्स और गिल्स के थ्रू होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में गिल्स के थ्रू भी होगा और जनरल बॉडी सरफेस से भी होगा, ट्रेकिया से भी हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन सम स्टेजेस। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है लेकिन कुछ स्टेज में प्रेजेंट होती है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है तो वो एडल्ट में वर्टिब्रे से रिप्लेस भी हो सकती है। और नोटोकॉर्ड जो नॉन कॉर्डेटा उसमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, मतलब होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट जो है वो ज़्यादा सफिशियंट और इम्पोर्टेंट का जो करेक्टर है वो नॉन कॉर्डेटा, बीच की नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को डिफरेंस ज़्यादा शो करता है, ठीक है। अब हम इसका देखें क्लासिफिकेशन। देखिए, कॉर्डेटा के जो हमने तीन फीचर्स आपको बताए थे वो एक हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, इस एरिया फेरेंजियल गिल सिट्स, ठीक है। अब इसके दो ग्रुप हैं, ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा को भी हम प्रोटोकॉर्डेटा और लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं, और क्रेनिएटा को यू कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे क्रेनिएटा वर्ड का मीन्स क्या होता है और ए क्रेनिएटा का वर्ड
पे मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो एक क्रेनेटा है उसके क्रेनियल, जो मतलब ए मीन्स विदाउट, ठीक है, इसमें क्रेनियल प्रेजेंट ना हो उसे ए क्रेनेटा कहेंगे, और इसमें क्रेनियल प्रेजेंट हो उसे हम क्रेनेटा कहेंगे। तो देखिए, नो अपेंडिजेस, सिफेलाइजेशन एंड एक्सोस्केलेटन, इसमें ना तो अपेंडिजेस होते हैं, ना सिफेलाइजेशन होता है, ना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है प्रोटोकॉर्डेटा में। यूकॉर्डेटा में दो पेयर अपेंडिसेस होते हैं, वेल डेवलप हेड होता है, इसीलिए वेल डेवलप हेड होता है, इसीलिए इसे ए क्रेनेटा मुझे कहते हैं, एंड इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेटा है उसको हम तीन फाइलम में डिवाइड करते हैं, हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमी मीन्स होता है हाफ, और कॉर्डेटा मीन्स मैंने बताया था आपको कॉर्ड वियरिंग, तो जिसमें हाफ कॉर्ड होगी उसे हम हेमीकॉर्डेटा कहेंगे, ठीक है। फिर आता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा मीन्स, यूरो मीन्स तो टेल, तो टेल की रीजन में जो कॉर्ड प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मीन्स होता है हेड, कॉर्डेटा मीन्स होता है कॉर्ड, तो सिफेलोकॉर्डेटा मीन्स होता है जो हेड के रीजन में कॉर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो हम सिफेलोकॉर्डेटा कहेंगे, ठीक है। अब इनके एग्जांपल जैसे कि हेमीकॉर्डेटा बेलेनोग्लॉसस, यूरोकॉर्डेटा हर्डमानियन, सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैंक, ये इसके मेजर एग्जांपल हैं, ठीक है, इसके सॉरी फीचर नहीं, एग्जांपल हैं इसके। जो क्रेनेटा है वो फाइलम, उसको हम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, और जो वर्टिब्रेटा है उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नाथा और गैनेथोस्टोमेटा। एग्नाथा मीन्स जिसमें जो ना हो, प्रेजेंट ना हो, ठीक है, एबसेंट हो, जिसमें जो एबसेंट होंगे उसे एग्नाथा कहेंगे, और जिसमें जो प्रेजेंट होंगे उसे गैनेथोस्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। गैनेथोस्टोमा और एग्नाथा, जो एग्नाथा है उसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्टेकोडर्मी। ऑस्टेकोडर्मी एक्सटेंट हो चुकी है, इसकी स्पीसीज वो एक्सटेंट हो चुकी है, लेकिन साइक्लोस्टोमा की स्पीसीज एक्सटेंट नहीं हुई हैं। साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर, जिसमें सर्कुलर माउथ, साइक्लो मीन्स सर्कुलर और मेटा मीन्स सर्कुलर माउथ। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पेट्रीमाइजन दी लैम्प्रे और मिक्सिन। मिक्सिन का एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं मिक्सिन का पूरा जनरल करेक्टर इसमें दिखाए गए हैं। और ऑस्टेकोडर्मी है उसे हम कहेंगे शेलफिश सेल स्किन, जिसका एग्जांपल है सिफेलेप्सिस। और गैनेथोस्टोमेटा, जिसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पिसिस और टेट्रापोडा। पिसिस मीन्स फिश होता है, और टेट्रा मीन्स होता है फोर, और पोडा मीन्स होता है लेग्स, जिसे फोर लेग्स हों उसको हम टेट्रापोडा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो पिसिस को हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टियोक्थिस। जैसे कि एग्नाथा में एक क्लास जो एक्सटेंट हो चुकी थी ऑस्टेकोडर्मी, ऐसे ही पिसिस में एक क्लास एक्सटेंट हो गई है प्लेकोडर्मी। प्लेको मीन्स प्लेट्स, डर्मी मीन्स स्किन, डर्मिस मीन्स स्किन होता है, तो इसमें जिसकी स्किन पे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं उन्हें प्लेकोडर्मी कहते हैं। कॉन्डिक्थिस मीन्स कार्टिलेजनस बोन्स, कार्टिलेजनस बोन्स में हम कार्टिलेजनस बोन्स में आती है स्कोलियोडॉन, जिसका कॉमन नेम है डॉगफिश। ऑस्टिक्थिस में आती है बोनीफिसिस, ऑस्टिक्थम बोनीफिसिस कहते हैं, इसमें आती है रोहू। अब हम देखेंगे टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को चार क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीविया, रेप्टाइल, एवीज एंड मेमेलिया। एवीज में हम इसका एग्जांपल देखेंगे रैना टिग्रिना, रेप्टाइल्स में देखेंगे गार्डन लिजार्ड, एवीज में देखेंगे कोलम्बा लिविया, मेमेलिया में देखेंगे ऑस्टेकोलोगस, ठीक है। ये था इसका कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी एग्जांपल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं जो डिफरेंस देखेंगे एग्नाथा और गैनेथोस्टोमा में। एग्नाथा मतलब विदाउट ट्रूजोम, मतलब इसमें ट्रूजोम नहीं होता है। गैनेथोस्टोमा में ट्रूजोम प्रेजेंट होते हैं। एग्नाथा में पेयर अपेंडिसेस अब्सेंट होते हैं, मतलब जोड़े में अपेंडिसेस नहीं पाए जाएंगे, और गैनेथोस्टोमा में पेयर अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। गैनेथोस्टोमा दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ईयर में हमारी दो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें से दो सिर्फ प्रेजेंट होती हैं, और गैनेथोस्टोमा में तीनों प्रेजेंट होती हैं।
हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर, इसमें तीनों प्रेजेंट होती हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट एडल्ट, जो गैनेथोस्टोमा है उसमें नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट में परसिस्ट करती है, और गैनेथोस्टोमा में जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट नहीं करती है, वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्री से। ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा के हम पहले जनरल करेक्टर्स को देखेंगे, फिर उसमें हम बेलेनोग्लॉसस को डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।